कार्तिक महीना में भगवान को दीप दान करने की बहुत बहुत महिमा बताई गई है। स्कंद पुराण में लिखा है, ब्रह्मा जी नारद जी को कहते हैं कि हे नारद जी, अगर कोई व्यक्ति इस कार्तिक महीने में भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जा कर के और 15 मिनट के लिए भी अगर घी का दीपक अथवा तो तिल के तेल का दीपक जो है भगवान को अर्पित करता है, तो उस व्यक्ति के करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप का तत्काल जो है क्षय हो जाता है। स्कंद पुराण में ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं, कल्प कोटि सहस्राणी पातकानी बहुन्यपि निमेषार्धेन दीपस्य बिलयम् यान्ति कार्तिके। कार्तिक महीना में अगर कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण के मंदिर में जा करके 15 मिनट के लिए भी दीप जला करके उनको दीप दान करता है, दीप दिखाता है, तो इतना करने मात्र से आदमी जो है करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप से तत्काल मुक्त हो जाता है। इतना ही नहीं, आगे कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कार्तिक महीने में भगवान कृष्ण को दीपक दिखाता है और दीपक दिखा करके नीचे रख देता है, तो उस दीपक का प्रकाश जितना हाथ दूर जाता है, अगर मान लीजिए उस दीपक का प्रकाश 10 हाथ दूर तक जा रहा है, तो उस व्यक्ति के 10 जन्म के पाप का नाश हो जाता है। 10 जन्म में उसने जितना भी पाप किया है या उसे जाने अनजाने में हो गया है, वो सारा पाप जो है तुरंत नष्ट हो जाता है। ये है दीपदान की महिमा। इतना ही नहीं, ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि हे नारद जी, अगर कोई व्यक्ति कार्तिक महीने में भगवान कृष्ण के मंदिर में जाए और मंदिर में पूरा अंधेरा हो, तो कोई व्यक्ति जुआ खेलने के उद्देश्य से मंदिर का अंधकार दूर करने के लिए अगर भगवान के मंदिर में दीपक जलाता है, जुआ खेलने के लिए भी भगवान के मंदिर में दीपक जलाता है, तो ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि हे नारद जी, उस व्यक्ति के 7 पीढ़ियों का जो पूर्वज होते हैं, वो सारे 7 पीढ़ी के पूर्वज जो है तुरंत परम पवित्र बन जाते हैं। ये ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं, धूत व्याजेन विप्रेन्द्र कार्तिके केशवालयम् द्योतयेद्यो महाभाग पुनात्या सप्तमम् कुलम्। जुआ खेलने के उद्देश्य से भी अगर कोई भगवान कृष्ण के मंदिर में दीपक जलाता है, तो उस व्यक्ति के 7 पीढ़ी के जितने भी पूर्वज हैं, वो सारे पूर्वज जो है पवित्र बन जाते हैं। ये है भगवान के मंदिर में कार्तिक महीना में दीप दान करने की महिमा। इतना ही नहीं, आगे ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि हे नारद जी, पितृपक्ष में अन्न का दान करने से जितना फल मिलता है, और जेठ के महीने में, जून के महीने में, गर्मी के महीने में शीतल मीठा मीठा जल का दान करने से जितना फल मिलता है, उससे भी ज्यादा फल जो है कार्तिक महीना में केवल भगवान कृष्ण को दीप दान करने से मिल जाता है। पितृपक्ष अन्न दाने न ज्येष्ठा आषाढ़े च वारिणा कार्तिके तत्फलम पुंसाम पर दीप प्रबोधनात्। कार्तिक महीना में दीप दान करने की बहुत महिमा है, इसीलिए कार्तिक महीना में हमें चौथा नियम क्या करना चाहिए, भगवान कृष्ण के मंदिर में जाकर हमें भगवान को जो है दीप दान करना चाहिए। हम लोग यहाँ पर भी आज दीप दान करेंगे, 100 से ज़्यादा दीप आया हुआ है, तो हम लोग यहाँ भी दीप दान करेंगे। तो हम लोग घर पर जाने के बाद ही प्रतिदिन हम सब लोगों को सुबह शाम अगर संभव हो सके शुद्ध देसी गाय का घी हो तो देसी गाय के घी से दीप दिखाना चाहिए, और देसी गाय का घी उपलब्ध न हो तो हमें तिल के तेल से युक्त दीपक भगवान को दिखलाना चाहिए सुबह और शाम में।
और कैसे दिखाना चाहिए, एक स्तोत्र का पाठ करते हुए। आपको दिया जाएगा पढ़ने के लिए बाद में, ये जो दामोदर अष्टकम है, इस दामोदर अष्टकम का पाठ करते हुए हमें भगवान को दीप दिखाना चाहिए। नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले व्रजमानम यशोदाभियोलु खला धावमानम परामृष्टमात्यंतो द्रुत्य गोपया। इस स्तोत्र का पाठ करते हुए हमें भगवान को दीपदान करना चाहिए।